नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पीटीईटी 2023 के ऑनलाइन फॉरम के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको पीटीईटी 2023 का ऑनलाइन फॉरम भरना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अब आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको पीटीईटी 2023 का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो आपको बता दें, फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक हमने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट educationindialive.com पर दे दिया है। आपको गूगल में सर्च करना है educationindialive.com और वेबसाइट को ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों, आप पीटीईटी 2023 नोटिफिकेशन वाली पोस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको पीटीईटी के बारे में पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जब यहाँ पर आप सबसे नीचे इम्पोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे तो जो अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर लिखा हुआ है, इस क्लिक हियर पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इस बटन पर क्लिक करना है। और अगर आप बीएड यानी दो इयर्स कोर्स के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप दोनों में से किसी एक बटन पर क्लिक करेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा, यहाँ पर आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम फिल कर देना है, उसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम फिल करना है और यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन में से हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों, हम यहां पर नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कोर्स सिलेक्शन एंड फी डिटेल के बारे में पूछा गया है। तो यहां पर 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यस और नो। उसके बाद दोस्तों, यहां पर हम नीचे आएंगे तो हम बताएंगे अपने 12th की डिटेल। तो अगर आपने 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके रखा तो यहाँ यस कर देंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम नीचे आएंगे, 12th की डिटेल देंगे जिसमें हम बताएंगे आर्ट्स साइंस या कॉमर्स आपके पास कौन सी स्ट्रीम है। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, हम यहां पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि स्ट्रीम के अंदर देखने को मिलता है उसी हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। फिर हम नीचे आएंगे और यहां से जो है बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों, यहां पर हमें नीचे आना है, यहां फीस देखने को मिल जाएगी, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। स्टेप सेकंड पेज ओपन होगा, यहां पर आपको अपने माताजी का नाम फिल करना है। उसके बाद यहां पर आप फोटो अपलोड करेंगे, इसके साथ सिग्नेचर अपलोड करेंगे और लेफ्ट हैंड के थंब का इम्प्रेशन अपलोड कर देंगे। अब आपको बता देते हैं कि कितनी साइज होनी चाहिए आपके फोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन की। तो फोटो की जो साइज है वो 100 KB तक रह सकती है, इसके साथ ही जो आपका साइन है उसकी साइज 50 KB तक रह सकती है और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन की साइज 100 KB तक रहनी चाहिए। ये तीनों ही यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपको सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट सेकंड सेलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो कुछ डिटेल जो कि आपने पहले फिल की थी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको क्या करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, मैरिटल स्टेटस यहाँ से आप बता देंगे। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा स्टेट ऑफ बोनाफाइड, यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी कहाँ के हैं, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। और यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोनाफाइड भी बता देंगे, यानी कि मूल निवास का जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे और अपनी कैटेगरी फिल कर देंगे। जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी को आप यहां से फिल कर देंगे। कैटेगरी फिल करने के बाद क्या आप निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित है, तो यहां पर जो है आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एसटी कैंडिडेट के लिए ये ऑप्शन खुला
रहेगा। उसके बाद माइनॉरिटी के अंदर आपको यस और नो में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर रक्षा कर्मी आश्रित, यानी कि अगर आप डिफेंस पर्सनल वार्ड के जो आश्रित है तो आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ से आप नो कर देंगे। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है और पीएच कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, और नहीं आते हैं तो आप नो कर देंगे। और यहाँ पर यस करेंगे तो आपको विकलांगता का प्रकार भी यहाँ से सेलेक्ट करके बताना होगा। फिर हम नीचे आते हैं परमानेंट एड्रेस डिटेल्स के सेक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आप फिल करेंगे, यानी कि पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है तो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप राज्य सेलेक्ट करेंगे अपने परमानेंट एड्रेस का, और यहाँ से आप क्या करेंगे, जिला सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी जिला है जहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद बात आती है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की, जहाँ अभी आप रह रहे हैं यानी कि वर्तमान पता है वो यहाँ पर फिल करेंगे। तो सारी जानकारी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करेंगे और एक फ़ोन नंबर फिल कर देंगे, और यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर आपको फिल करना आवश्यक है, फ़ोन नंबर फिल करना आवश्यक नहीं है, ध्यान देने वाली बात यह है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ और डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी जो कि आपने पहले फिल की थी। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में आप यहाँ पर फिल करेंगे कि आपने क्या करके रखा है, आप ट्वेल्थ पास है या फिर पर्चिंग है। इसके साथ ही आपके पास अगर 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे वाले सेक्शन जो कि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिटेल्स का सेक्शन है उसमें आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको टेंथ की डिटेल फिल करनी होगी। टेंथ की डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ से आप बोर्ड का चुनाव करेंगे, जिस किसी बोर्ड से आपने टेंथ की है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने टेंथ क्लास किस ईयर में पास की है वो ईयर आपको यहाँ पर लिखना होगा। ईयर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स बताएंगे कि कितने मैक्सिमम मार्क्स थे और आपने कितने प्राप्त किए यानी कि ऑब्टेन किए वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं, और परसेंटेज यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। अगर आपके पास जो है 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप वही डिटेल डालेंगे, और अगर नहीं है तो आप यहाँ 12th की डिटेल फिल करेंगे। तो 12th की डिटेल फिल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे जिस ईयर में आपने 12th पास किया, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स लिखेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन लिखने हैं, परसेंटेज यहाँ अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो ये डिटेल आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको यहाँ रोल नंबर फिल करने होंगे। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड जो कि नीचे बटन देखने को मिल रहा है, इस प्रोसीड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने वेरीफाई का बटन आएगा, लेकिन वेरीफाई पर क्लिक करने से पहले आपको पूरी डिटेल देख लेनी है, अगर सब कुछ सही है तो आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं मेक पेमेंट का एक बटन देखने को मिल रहा है, इस मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने बैंक का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां से आपको क्या करना है, एक पेमेंट का मेथड सेलेक्ट कर लेना है। पेमेंट का मेथड सेलेक्ट करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा, यहां पर ये डिटेल आप फिल करेंगे और पे 500 पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपकी फीस सबमिट हो जाएगी और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। ये थी पूरी जानकारी PTET 2023 ऑनलाइन फॉर्म भरने को लेकर। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो का आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, और साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी न जानकारी के साथ, तब तक।